गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जीवन के सभी रसों का आनंद सिर्फ एक रस में, एग्जाम रस में। सबसे पहले संक्षिप्त में मैं बता दूं कि कई सारे नए बैचेज स्टार्ट किए जा चुके हैं और अभी भी स्टार्ट हो रहे हैं, और आपके पास अनअकैडमी कॉम्बैक्ट भी है। यदि आपको डिस्काउंट कोड से भी ज्यादा रिफर कोड से भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप एमके लाइव रिफर कोड यूज करके स्टेज को दीजिए, आपको 25% 40% 50% तक के डिस्काउंट मिलेंगे। एक ही सब्जेक्ट के कई सारे एजुकेटर होते हैं, किसी भी क्लास को कितनी बार भी देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन एमके लाइव रिफर कोड क्यों? क्योंकि इकलौते एजुकेटर है जो अकॉर्डिंग टू यूपी के यूनिट वाइज कवर कराते हैं चीजों को। हमने 2020 में 65 से ज्यादा क्वेश्चन कट पेस्ट कराए हैं और इसका मैंने प्रमाण दिया है। कई सारे लाल लालियों को लगता है कि मास्टर केवल बोलता है, ऐसा बोला नहीं। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें 2020 में मैंने कितने क्वेश्चन कट पेस्ट हुए थे, वो प्रूफ सही दिखाए थे। और 2020 के मेंस में मैंने दिखाया था कि सवाल कट पेस्ट करवाए गए। एक थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, बात जरा ध्यान से सुनना, शायद आपको मजा आ जाएगा। एक थ्योरी है डोपामीन थ्योरी, समझना जरा ये थ्योरी क्या कहती है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा लालो, एक मजेदार बात आपको समझ में आ जाएगी और बड़ा खुश होंगे आप लोग। डोपामीन, हमारा शरीर या हमारा दिमाग कुछ कामों को करने में बड़ा मजा लेता है और कुछ कामों को करने में मजा ही नहीं आता। ये सारा खेल डोपामीन का है। माना जाता है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, और डोपामीन जब रिलीज होता है एक रासायनिक पदार्थ, तो हमें एक अलग ही खुशी और अलग ही संतुष्टि मिलती है, अलग ही रिलैक्सेशन ब्रेन को महसूस होता है। अब किस काम में जितना ज्यादा डोपामीन रिलीज होगा वो काम हमें उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे जैसे इसका बढ़िया सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं या जैसे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं उस समय डोपामीन रिलीज हो रहा है। अब मान लो कि डोपामीन रिलीज हुआ ज्यादा मात्रा में, अब मूवी देखते समय डोपामीन जो रिलीज हुआ, अब उससे ज्यादा डोपामीन जब रिलीज होगा तो ही जाकर कोई काम कर पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना लालो, अद्भुत कहानी है ये। मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ाते हुए मुझे जितना आनंद आ रहा है, जितना आनंद आकर मेरे दिमाग में डोपामीन रिलीज हो रहा है, मैं कोई दूसरा काम तब करूंगा जब मुझे उससे ज्यादा डोपामीन प्राप्त होगा। हम काम क्यों कर रहे हैं? हम ये काम वो काम ये काम वो काम क्यों कर रहे हैं? डोपामीन के कारण। जो काम ज्यादा डोपामीन रिलीज कर दे हमें वो पसंद है, फिर वो टिकटॉक हो सकता है, फिर वो यूट्यूब पर हो सकता है, फिर वो किसी प्रकार की किताब पढ़ना हो सकता है, वो मूवी देखना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि सेक्स करने में भी हमें आनंद की अनुभूति इसलिए क्योंकि डोपामीन का रिलीज होना बहुत ज्यादा है। डोपामीन जितना रिलीज होगा हमें काम उतना ही अच्छा लगेगा। तो यहां ध्यान से सुनना लालो, यहां मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं। जैसे कई बार होता है कि आप लगभग मान लेते हैं कि कभी कई टाइम से पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, अब अचानक किताब ली तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। देखो पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि तुम जितने काम इसके पहले कर रहे थे उसमें डोपामीन बहुत रिलीज हो रहा था, और अब जब तुम पढ़ने की बात कर रहे हो तो डोपामीन निकलने को तैयार नहीं है, तो अब तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो फिर ऐसी ऐसी समस्या से कैसे मुक्त हो? ऐसी समस्या से मुक्त होने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि यदि आप अपने दिमाग को फिर रिस्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मोबाइल मोबाइल हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? रिस्टार्ट करते हैं। यही है रिस्टार्ट। रिस्टार्ट मतलब आपको पूरा एक दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा, पूरा एक दिन का ऐसा ब्रेक लेना पड़ेगा कि आराम कर रहे हैं आप, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, आराम कर रहे हैं। और आराम जब कर रहे हैं तो आपने जितना डोपामीन को प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस थी अब जीरो पर आ चुकी है, अब ब्रेन रीस्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप काम करने या पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो अब आपको मजा आएगा। आपको मजा इसलिए आएगा क्योंकि अब थोड़ा बहुत डोपामीन रिलीज होगा, उसमें भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सारे लोग, मैं आप सब लोग, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये डोपामीन, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, उसका कारण है कि वो पढ़ते समय डोपामीन दिमाग रिलीज ही नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया डोपामीन रिलीज करने के लिए।
कुछ लोगों को घूमने में बड़ा मजा आता है क्योंकि घूमते समय डोपामिन रिलीज हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे मुझे घूमना बड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि डोपामिन उस समय रिलीज नहीं हो रहा है। कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारे लिए बुरा है, सब ये केमिकल के थ्रू डिपेंड है। तो लालो, मुझे उम्मीद है कि ये बात अब आपके दिमाग में आ चुकी होगी, आप लोगों के दिमाग में आ चुकी होगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कमेंट्स करते चलिएगा, लाइक करते चलिए, शेयर जरूर करिएगा। बाय, गुड डे।